प्रज्ञा अपने परिवार के लिए, मेरे अपनों की मन की शांति के लिए माफ करती हूँ मैं तुम्हें। देवी माँ का बहुत उपकार, जो ऐसी सियाणी छोरी दी इस परिवार को। देख लिया आप सबने अपनी जिद का नतीजा। आज फिर आप सबकी खुशी के लिए आनंदी अपने मन को मार रही है। उस लड़के को माफ कर रही है जिसने हमेशा उसे जिंदगी भर उसे दुख दिए, उसकी जिंदगी उजाड़ दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि क्योंकि आप उस पर दबाव डाल रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा बापू साहब, जग्या को माफ करने का यही कारण है। मैं अपने परिवार को वो सारी खुशियां लौटाना चाहती हूँ जो मेरे कारण इस घर से रूठ कर चली गई। पर बापू साहब, इसके साथ साथ एक और भी बहुत बड़ा कारण है, मेरे अपने मन की शांति। बापू साहब, जग्या को माफ ना करके मैं अनजाने में ही अपने अतीत को अपने साथ लेकर चल रही थी, जिन यादों को अपने आसपास भी ना आने देना चाहा, उनसे कभी दूर ही ना हो पाई। क्योंकि अब तक दिमाग में वही सारी बातें चल रही हैं, इसीलिए तो घाव भरते ही नहीं। बापू साहब, एक कहानी अधूरी छोड़कर दूसरी कहानी लिखना तो ठीक नहीं ना। इसीलिए मैं जग्या को माफ कर रही हूं। जग्या के बीच जो भी अधूरी बात रह गई उन्हें खत्म करना चाहती हूं मैं, इन्हें माफ माफ करके। और मैं किसी पर कोई एहसान नहीं कर रही, बल्कि मैं अपने आत्मा को एक बोझ से, अपने आप को अपने बीते हुए कल से पूरी तरह से मुक्त कर रही हूं। बापू साहब, अब आपको भी जग्या को माफ कर देना चाहिए। तो आपके पास और कोई कारण भी नहीं रहा जग्या को माफ नहीं करने का। कब तक अपने मन पर बोझ लिए जिएंगे आप बापू साहब? तुम्हें तुम्हारा परिवार वापस मिल गया जग्या, ऐसे परिवार में जन्म लेना, ऐसे परिवार का हिस्सा बनना बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसा परिवार जो जीवन की अनगिनत थपेड़े सहकर भी अपने घर के सदस्य की रक्षा करने के लिए
उन पर प्यार और ममता की छाव बनाए रखने में विश्वास करते हैं। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं जगी, यहीं रह सकते हो तुम। अपने घर में ये सब तुम्हारे अपने, और मुझे लगता है अब घर में किसी को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस बर्तने सुखी राखे छोरी, एक बार फिर तूने इस परिवार को बिखरने से बचा लियो। थारो जितनो भी आभार माने ना जे डोकल दी उतो कम है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मारो पो तो घर वापस आ गया। जगदीश, बस अब मैं जे ही चाहूं छोरा कि जो राह चुनी है तूने उस पे टिके रहना। हाँ, भगवान करे थारी अच्छाई दिन दूनी रात चौगनी बढ़े। जीतर कुछ लोग सिर्फ गलतियां करना चाहते हैं। और कुछ सिर्फ माफ। लेकिन ये बात
आप नहीं समझ सके। इसलिए जो इंसान आपको माफ करता है उसी को आप दुख देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का मौका मिला है, ये आपको उस इंसान की वजह से मिला है जिसे आपने सबसे ज्यादा दुख और तकलीफें दी। अगर गुरूर से आपका सिर कभी ऊंचा उठ जाए तो ये बात याद कर लेना। घमंड से उठा सर अपने आप झुक जाएगा और आप जमीन पर आ जाएंगे। जो जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का मौका मिला ये आपको उस इंसान की वजह से मिला है जिसे आपने सबसे ज्यादा दुख और तकलीफें दी। माफ करती हूँ मैं तो तुम्हें, तुम्हारा परिवार वापस मिल गया चाहिए। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजे रास ना आया रहना दूर, क्या कीजे दिल से मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। हो गई थी जो हमसे भूल, क्या कीजे दिल कह रहा उसे मयसर कर भी आओ, वो जो दबी सी आस बाकी वो जो दबी सी आँच बाकी है, वो जो दबी सी आँच बाकी है, वो जो दबी सी आँच बाकी है। किस्मत को है ये मंजूर, क्या कीजे गवानी दानी 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 दानी, किस्मत को किस्मत को है ये मंजूर, क्या कीजे मिलते रहे हम बादस्तूर, क्या कीजे दिल कह रहा है उस
से मुसलसल कर दिया वो जो रुकी सी राह बाकी है वो जो रुकी सी चाह बाकी है वो जो रुकी सी चाह बाकी है वो जो रुकी सी मैंने सुना है बादाम वाला दूध पीने से दिमाग तेज होता है और दिमाग तेज होगा तभी तो डॉक्टरी की इतनी कठिन पढ़ाई पढ़ पाओगे तुम। क्या मतलब? बापू सा मान गए? उन्होंने हाँ कह दिया? सच? आनंदी मैं तुझसे प्यार नहीं प्यार नहीं कोई और है जिससे मैं प्यार कर प्यार गौरी की हालत की जिम्मेदार तुम हो आनंदी उससे मेरा बच्चा छीनने वाली तुम हो तुम। तुम्हें शुभकामनाएं देना चाहती हूं जाकिया हमेशा खुश रहना अपने परिवार के लिए मेरे अपनों की मन की शांति के लिए माफ करती हूँ मैं तुम्हें तो। क्यों क्या कर दिया मैंने कर दिया ये मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया कितना गलत किया तुम्हारे साथ किस हद तक जाकर तुम्हारे साथ नाइंसाफी की मैंने इंसानियत की हर सीमा लांघकर जो तुम पर अत्याचार किए मैंने हाथ जाकर मुझे उसका एहसास हो रहा है महसूस हो रहे हैं वो लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल सुधारना चाहता हूं मैं तुमसे वादा करता हूं आनंद कि मैं तुम्हें जिंदगी की वो हर खुशी देना चाहता हूं जिस पर तुम्हारा हक था और फिर भी मैं तुम्हें दे नहीं पाया मैं तुम्हारे जीवन में इतने रंग भर दूंगा आनंदी कि भगवान भी मुझसे पूछेगा कि जगह तू इतने सारे रंग लाया कहां से ये मेरा वादा है तुमसे मुझे माफ करके तुमने मुझे मेरा परिवार तो दे दिया लेकिन आनंदी मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस लौटना चाहता हूं मुझे अपनी जिंदगी में अपने दिल में एक बार फिर से जगह दे दो अपने जग्या को अपने पास वापस आने दो मुझे फिर से स्वीकार कर लो आनंदी फिर से स्वीकार कर लो क्षमा दुर्बलता नहीं वीरता है।
जो बुरे से बुरे इंसान के मन को भी निर्मल बनाकर उसका हृदय परिवर्तन कर सकती है।